नमस्कार दोस्तों, रोहित है यार। अगर आप लोग हमको पहले से फॉलो करते हैं और BCW को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री पर और जो भी बिहार स्पेशल होता है उस पर हम एडेंडम लाते हैं, हर साल लाते हैं, जो भी एग्ज़ाम का नेचर को देख के हम लोगों को मॉडिफाई करना पड़ता है चीज़ों को। तो ये आप लोग अगर वीडियो देख चुके हैं तो अपने नोट्स में आप वैल्यू एडिशन के रूप में इसको काउंट करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्लीट बिहार स्पेशल, बिहार ज्योग्राफी, बिहार का एंशेंट हिस्ट्री, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, फ्री में यूट्यूब पर कंप्लीट कोर्स डाला हुआ है। डू वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो, देन ओनली यू कैन रिलेट इट, एल्स आपको ये बकवास वीडियो लगेगा, समय मत बर्बाद करिए। अगर आप 68 BPSC में मेरे से बात करेंगे तो 68 BPSC में सबको एक क्वेश्चन चौंकाता है, वो क्वेश्चन क्या है, बतख मियाँ का क्वेश्चन होता है और सब कोई को चौंका देता है। जब टीचर का एग्जाम होता है तो BPSC फिर एक बिहार स्पेशल से क्वेश्चन देकर चकमा देता है और उस बार जो क्वेश्चन पूछता है वो इरविन के बारे में पूछ देता है, जो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है और इट टेक्स यू ऑफ द गार्ड, राइट। तो आज हम लोग उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं, स्टोरी के रूप में पढ़ने की कोशिश करते हैं और अब जो है जो नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है अगर इसी स्टाइल को BPSC फॉलो करता है तो हम लोग को पता होना चाहिए। साथ में अगर आप BPSC का भी टीचर का एग्जाम देखेंगे तो उसमें एक ऑप्शन में वो नाम इस्तेमाल करता है, उनका नाम है रमेश चंद्र झा के बारे में। तो आज रमेश चंद्र झा के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले चीजों को कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, चंपारण का अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो चंपारण के ज्योग्राफी में हम आपको बताए हैं कि यहां से चंपारण पे एक नदी गुजरती है, उस नदी का क्या नाम है, गंडक, गंडक बूढ़ी गंडक उस एरिया को सिंचाई प्रदान करती है। अगर आप देखोगे तो जब गंडक नदी वहां से निकलती है तो इसका मतलब कि इस एरिया में वाटर की स्कर्सिटी नहीं है। जब वाटर की स्कर्सिटी नहीं है तो यहां के जो खेतिहर हैं, अभी भी आप देखोगे कि चंपारण में शुगर केन की जबरदस्त खेती होती है, पैडी की जबरदस्त खेती होती है, इसलिए खेती होती है बिकॉज दीज आर द वाटर गजलिंग क्रॉप्स, इनको खूब पानी चाहिए होता है और वहां पे गंडक एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ पानी का है तो वहां से पानी उनको मिलते रहता है। तो अगर आप उनके ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे, अगर आप उनका नेचर देखोगे जो प्लांटर्स हैं अभी भी, तो वो शुगर केन को प्रीफर करते हैं, पैडी को प्रीफर करते हैं ग्रो करना, जो उनको बेनिफिट भी देता है। माय डियर फ्रेंड्स, कीपिंग दिस थिंग इन द माइंड, ट्राई टू एनालाइज द कंडीशन, राइट। 1860 में देखो, 1860 में एक किताब लिखी जाती है, उस किताब का नाम है नील दर्पण, ध्यान से इसको आप देखोगे, ठीक है, उस किताब का नाम है नील दर्पण। नील दर्पण किताब कौन लिखता है, दीन बंधु मित्रा लिखते हैं, उनकी किताब बहुत फेमस होती है। किस पर यह किताब है, दीन बंधु मित्रा जो इंडिगो प्लांटर्स हैं उनके प्लाइट को दर्शाता है, उनको जो दिक्कत होती है उसको दीन बंधु मित्रा की किताब नील दर्पण दर्शाती है। दीन बंधु मित्रा किस भाषा में लिखते हैं, बंगाली में लिखते हैं। इट गॉट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय नन अदर देन मधुसूदन दत्ता। दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द फैक्ट विच यू नीड टू हैव इन योर माइंड। मधुसूदन दत्ता इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, मधुसूदन दत्ता। अब आप देखो कि जब नील दर्पण प्ले लिखते हैं और नील दर्पण में इस चीज को दर्शाते हैं तो बिहार बंगाल उस समय सब एक है, तो बंगाल वाला एरिया से इस चीज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और 1863 में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर पूछता है तो याद रखना, 1863 में बंगाल से बिहार के तरफ इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है, इंडिगो प्लांटर्स आ जाते हैं और इंडिगो मैनेजर्स आ जाते हैं और हम लोग को फोर्स करने लगते हैं कि तुमको इंडिगो ग्रो करना है। मेरे बंधु, इंडिगो ग्रो करने के लिए क्या सिस्टम था, तिनकठिया प्रणाली था, एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। इसका मतलब अगर आप देखो कि अगर आप गांव देहात के हो तो आप रिलेट कर पाओगे, 1 2 3 ये कहता था कि इस 3 कट्ठा में, एक बीघा में, तो इस 3 कट्ठा में आपको इंडिगो ग्रो करना है, बाकी में आपको जो ग्रो करना है करिए, पर इस 3 कट्ठा में आपको इंडिगो ग्रो करना है। When it shifted to the Bihar, it shifted to the Bihar in 1863, क्योंकि नील दर्पण वगैरह प्ले का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, एंड इट शिफ्टेड टू द बिहार। माय डियर फ्रेंड्स, जब इंडिगो कल्टीवेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इंडिगो को ग्रो करते हो तो जमीन को क्या कर देता है, वह इनफर्टाइल कर देता है, जमीन को बंजर बना देता है। दूसरी बात कि यहां का जो नेचर है,
यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो पैडी कल्टीवेशन को प्रीफर करता है, यहाँ की जो ज्योग्राफी है वह शुगर कैन कल्टीवेशन को प्रीफर करता है। और इन क्रॉप्स को ग्रो करने का दो फायदा था, एक तो उनको अन्न के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी, और दूसरा कि उसका मार्केट बहुत अच्छा था, उनको पैसा बहुत अच्छा मिल जाता था। तीसरी बात कि इंडिगो ग्रो करने से जमीन बंजर बन जाती थी, इसलिए वो इंडिगो का प्लांटेशन नहीं करना चाहते थे। तो जो पहला विरोध अगर आपसे पूछेगा कि पहली बार इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ विरोध कब होता है पूरे बिहार में, तो वो विरोध 1867 से 77 के बीच में होता है। पर इस विरोध का कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इस विरोध में जो लोग होते हैं उनको फंसा दिया जाता है, लीगल केस में फंसा देता है अंग्रेज, और इस तरह से इसको दबा दिया जाता है। तो अगर पहला रिवोल्ट पूछता है तो 1867 से 77 के बीच में पहली बार विरोध होता है, पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। जो सेकंड विरोध हो रहा है, आप देखोगे कि 1907 से 9 के बीच में विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? अगर आप देखेंगे कि 1906 में भयंकर फ्लड आता है गंडक में। जब भयंकर फ्लड आता है गंडक में, तो जो भी फसल पैडी का ग्रो कर रहे थे, भाई यहीं पे ना ग्रो कर रहे थे, यहां पे तो पैडी शुगर केन वगैरह ग्रो कर रहे थे, तो पैडी का पूरा फसल नष्ट हो जाता है। शुगर केन का जितना फसल था नष्ट हो जाता है। उस समय 1906 में जब बाढ़ आ जाता है, तो 1906 में ये इस पे दबाव बनाने लगते हैं कि अब जो है तुम इंडिगो ग्रो करना स्टार्ट करो। कहता है कि ऑलरेडी बाढ़ से हमारे पास पैसा नहीं है, तुम दबाव बना के बोल रहे हो कि इंडिगो ग्रो करो। तो इन लोगों का, किसानों का ये मानना था कि अगर फ्लड के बाद अगर आपने इंडिगो को कल्टीवेट कर दिया तो पूरा जमीन कंप्लीट बंजर हो जाएगा, ऐसा किसानों को मानना था। तो अब किसान के पास क्या स्थिति बचती है? फ्लड के बाद यूजुअली जमीन जो है और फर्टाइल हो जाती है, पर किसानों का मानना था कि अगर जो नया एल्यूवियम जो नदी के बाढ़ से जो मिट्टी आती है वो बहुत फर्टाइल होती है, अगर उस नए एल्यूवियम में पहला खेती अगर हम लोग इंडिगो का कर देंगे तो पूरा जमीन नष्ट हो जाएगा, पूरा जमीन इनफर्टाइल हो जाएगा, इसका विरोध करते हैं। और 1907 से 9 के बीच में सेकेंड इंडिगो रिवोल्ट होता है बिहार में, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा होता है? अगर एग्जाम में पूछे तो उसका नेतृत्व करने वाले थे शेख गुलाब। और शेख गुलाब और शेख रजाब अली, इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि यह देश में जितना फॉरवर्डों ने लड़ाई लड़ी है उतना ही बैकवर्डों ने लड़ाई लड़ी है, इस देश में जितना अगड़ों ने सवर्णों ने लड़ा उतना ही बैकवर्ड क्लास के लोगों ने लड़ा, दलितों ने लड़ा, अंबेडकर ने लड़ा, उतना ही राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, श्रीकृष्ण सिंह ने लड़ा है। उसी तरह से जितना हिंदू लड़ा है उतना मुसलमान लड़ा है, पारसी लड़ा है, बौद्ध लड़ा है, जिसकी जितनी क्षमता थी उसने लड़ा है। तो 1907 से 9 के बीच में शेख गुलाब और शेख रजाब अली एक बहुत ही लूट करना स्टार्ट करते हैं, जो इंडिगो प्लांटर थे इनको लूटना स्टार्ट करते हैं और इनको कत्ल करना स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही वायलेंट मूवमेंट होता है। आपको पता है कि जब भी वायलेंस होगा अंग्रेज को और कोई भी हुकूमत है उसको दबाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप अभी हम मोदी जी पर बम फेंकना चाहते हैं या मानते हैं कोई नेता को हम जूता मारना चाहते हैं, थप्पड़ मारना चाहते हैं कोई बात मनवाने के लिए, पुलिस के लिए 2 मिनट का काम है, आपको 10 डंडा मारेगा और आपको बैठा देगा। पर अगर आप गांधीयन टूल को अपनाकर बोलते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे और जाकर आप पार्लियामेंट के सामने बैठ जाते हैं, सरकार नतमस्तक हो जाएगी, सरकार को जमीन पर आना पड़ेगा, क्योंकि इस जमहूरियत है, इस देश में लोकतंत्र है, और जब भी आप नॉन वायलेंस के टूल को इस्तेमाल करते हैं सरकार डिफेंसिव होती है, जैसे आप वायलेंस के टूल को इस्तेमाल करते हैं सरकार 2 मिनट के अंदर आप पे सेडिशन लगा के अंदर डाल देती है। तो सरकार चाहती है, कोई भी हुकूमत रहेगी आपको उकसाएगा, पुलिस हमेशा आपको उकसाएगा कि आप वायलेंस पे उतरेंगे 2 मिनट के अंदर आपको क्रश कर देगा। तो शेख गुलाब अली और रजाब अली का जो मूवमेंट था, जो कि मोतिहारी वाला बेल्ट में था, वह एक वायलेंट मूवमेंट था और उसको अंग्रेज 2 मिनट के अंदर दबा देता है। अब हम चीजों को कंटेक्स्टलाइज कर दिए हैं, अब एग्जाम में क्वेश्चन देखिए कहां से आएगा। अब 1916 बनता है, 1916 एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। 1916 में क्या हो रहा है? लखनऊ सेशन हो रहा है। लखनऊ सेशन जब हो रहा है तो लखनऊ सेशन को कौन उसको लीड कर रहा है, अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजुमदार, एसी मजुमदार उसको लीड कर रहे हैं। 1916 में एक डेलीगेशन बिहार से जाता है, उस डेलीगेशन में कौन कौन रहते हैं? राजकुमार शुक्ला जी रहते हैं, दूसरा हरिवंश सहाय रहते हैं, ये तीनों नाम याद रखना पूछेगा एग्जाम में, और तीसरा पीर मोहम्मद मुनिस चाहते हैं। पीर मोहम्मद मुनिस क्या हैं? एक टीचर हैं, टीचर के साथ साथ क्या हैं? जर्नलिस्ट भी हैं। क्या क्यों जर्नलिस्ट हैं? ये एक प्रताप
अखबार छपता था तो प्रताप मैगजीन में लिखते थे। क्या लिखते थे? किसानों का दर्द के बारे में लिखते थे, चंपारण में अंधियार टाइटल से लिखते थे, ये सब सारा हम पुराना वीडियो में बता रखे हैं। प्रताप मैगजीन कहां से निकलता था? कानपुर से निकलता था। संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। जब प्रताप मैगजीन में लिखना स्टार्ट करते थे और जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके दुख और दर्द को बताते थे, इसलिए इनको अंग्रेज कहता था बदमाश जर्नलिस्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे हु वाज ऑफन कॉल्ड एज द बदमाश जर्नलिस्ट, इट वाज नथिंग, इट वाज नन अदर देन द पीर मोहम्मद मुनिस। पीर मोहम्मद मुनिस जर्नलिस्ट तो थे, पर उससे पहले यह बेतिया राज स्कूल में टीचर थे। जब बेतिया राज स्कूल में टीचर थे तो इनको अपने लेखों के कारण वहां से हटा दिया जाता है और इनकी नौकरी चली जाती है पीर मोहम्मद मुनिस की। राजकुमार शुक्ला के बारे में यह कहा जाता है कि राजकुमार शुक्ला क्या है? एक किसान है, जब किसान के साथ साथ अनपढ़ हैं, जब अनपढ़ हैं तो पीर मोहम्मद मुनिस और कांग्रेस के वर्कर हैं, पीर मोहम्मद मुनिस एक लेटर ड्राफ्ट करते हैं। जब लेटर ड्राफ्ट करते हैं कि इस लेटर को गांधी जी को देना है और गांधी जी को देकर किसानों के दर्द के बारे में, इंडिगो प्लांटर्स के बारे में बताना है, वो लेटर ड्राफ्ट कौन करता है? पीर मोहम्मद मुनिस। क्यों ड्राफ्ट करते हैं? राजकुमार शुक्ला देते जरूर हैं, पर राजकुमार शुक्ला अनपढ़ आदमी हैं, एक किसान हैं, एक वर्कर हैं, उनको कोई आइडिया नहीं था दैट लेटर वाज ड्राफ्टेड बाय पीर मोहम्मद मुनिस। माय डियर फ्रेंड्स, अब दूसरा ध्यान से देखो, पर अब देखो ये तीनों क्या हैं? वर्कर टाइप के आदमी हैं, गरीब गुरबा टाइप के आदमी हैं, तो इनको लखनऊ जाने के पास के लिए पैसा नहीं था, तो इनको एक फंड व्यक्ति करता है, उसका नाम है हाजी मोहम्मद अंसारी। अगर एग्जाम में पूछता है कि हु फंडेड द लखनऊ, जो डेलीगेशन जाता है उसको लखनऊ में फंड कौन करता है, उनका नाम है हाजी मोहम्मद अंसारी। यही फंड करते हैं तीनों को कि जाओ और गांधी जी को बताओ कि किसानों को कितना तकलीफ हो रही है और चंपारण गांधी जी आए। क्वेश्चंस बन सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा मेरे बंधु। अब जब गांधी जी आते हैं, गांधी जी जब फतह करते हैं और जब गांधी जी को फतह करने के बाद यह हो जाता है कि जो एक एग्रेरियन कमेटी बनती है, ये सब सारा चीज़ पहले बताए हुए हैं तो वहाँ जाकर देख लेना। एग्रेरियन कमेटी बनती है, एग्रेरियन कमेटी को जब लीड कर रहे होते हैं तो इंडिगो प्लांटर्स का जो मैनेजर है उसका नाम है इरविन, ठीक है, उसका नाम है इरविन। उसको इरविन को ये लगा कि अब तो मेरा दुकान बंद हो गया, अब इंडिगो प्लांटेशन यहाँ से ख़त्म हो गया, गांधी जी का इतना दीवानगी है लोगों में तो अब इंडिगो प्लांटेशन पूरा ख़त्म हो गया। तो जब इंडिगो प्लांटेज, अब ये बताओ कि हु इज ऑफन कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट, जो ट्रू आर्किटेक्ट थे, गांधी जी पटना आएंगे, पटना के बाद मुजफ्फरपुर आएंगे, मुजफ्फरपुर के बाद मोतिहारी जाएंगे, ये सब की रचना कौन करता है, ट्रू आर्किटेक्ट कौन था, अब पुराना वीडियो जाकर देखना और कमेंट सेक्शन में हमको बताना कि हु इज ऑफन कॉल्ड एज द ट्रू आर्किटेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शंस आर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, तीसरा ब्रजकिशोर प्रसाद, चौथा राजकुमार शुक्ला। हम पुराने वीडियो में इसका उत्तर बताए हुए हैं या कोई एमसीक्यू में इसका उत्तर बताए हुए हैं, जाकर जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ये तुम सोचते हो कि राजकुमार शुक्ला हैं तो दोबारा सोचना फिर मारना। द ट्रू आर्किटेक्ट गांधी जी की रूपरेखा कौन तय करता है कि कहाँ रुकेंगे, किसके यहाँ रुकेंगे, कैसे जाएंगे, ये सारा रूपरेखा कौन तय करता है, अब आप हमको बताने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो इरविन क्या है, गांधी जी को बुलाता है कि आइए आपसे बात करते हैं, निगोशिएशंस करते हैं कि कैसे चंपारण एग्रीरियन कमेटी को मूव करना है, कैसे हम लोग क्या करेंगे, कैसे इनको कंपनसेशन देंगे। तो इरविन का एक कुक था, उस कुक का क्या नाम है, बतक मियाँ। तो इरविन बहुत बदमाश आदमी है, तो बतक मियाँ इसका कुक था, तो ये डिसाइड करता है कि जब गांधी जी खाना खा लेंगे तो गांधी जी को जो दूध दिया जाएगा उस दूध में जहर डाल के दे दिया जाएगा, और जब जहर दे देंगे तो गांधी जी धीरे धीरे मर जाएंगे। बतक मियाँ तैयार हो जाता है, बेचारा गरीब आदमी है बतक मियाँ, बतक मियाँ को लगता है कि ठीक है जहर दे देते हैं, पर गांधी जी की दीवानगी ऐसी थी उस समय पूरे देश में कि जब बतक मियाँ दूध का ग्लास लेकर गांधी जी के पास खाना के बाद पहुंचता है तो जब गांधी जी उस ग्लास को पकड़ते हैं और जब बतक मियाँ का उनसे नज़र मिलता है तो बतक मियाँ रोने लगता है। जैसे बतक मियाँ रोने लगता है तो गांधी जी उसको बोलते हैं कि बतक मियाँ क्या हो गया,
तो बोलता है बतख मियाँ कि आपके खाना में हमको हम जहर मिला दिए हैं, आप इस दूध को मत पीजिएगा। गांधी जी की ये दीवानगी थी कि गांधी जी बोलते हैं कि बतख मियाँ ये बात मेरे और अब तुम्हारे बीच में रहेगी, इस बात को मैं कभी रिवील नहीं करूँगा, और उस दूध को छोड़ देते हैं। पर यह बात इरविन को चुपचाप पता चलती है। जब इरविन को बात पता चलती है तो इरविन क्या करता है कि बतख मियाँ का जितना भी प्रॉपर्टी था, जितना परिवार था, उसको कॉन्फिस्केट करता है, एक फेक केस में फंसा देता है और इनको पूरा गरीबी की स्थिति में लाकर रख देता है, पूरी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर देता है। गांधी जी ने कहा था कि हम इस बात को दुनिया के सामने नहीं बताएंगे। गांधी जी इसलिए दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते थे कि गांधी जी को पता था कि अगर ये जहर वाली बात अगर दुनिया को पता चल गई तो 2 मिनट के अंदर बतख मियाँ को परेशान करेगा और इस गरीब आदमी को प्रताड़ना देगा और प्रताड़ित करेगा। पर यह बात किसी तरह से इरविन को पता चल गया और इरविन चुपचाप इनको केस में फंसा देता है बतख मियाँ को, और बतख मियाँ की सारा प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया और बतख मियाँ बहुत गरीबी में और जलालत की जिंदगी जीते हैं। अब स्थिति यह बनती है कि भारत आज़ाद हो गया। जब भारत आज़ाद हो गया तो राजेंद्र बाबू एक बार मोतिहारी गए, और राजेंद्र बाबू से मैं राष्ट्रपति के रूप में अगर हमको डेट सही से याद है तो 1957 में भाषण देना स्टार्ट करते हैं। राजेंद्र बाबू उस कमिटी में थे जब गांधी जी की चंपारण एट द फीट ऑफ द महात्मा, जो ऑटोबायोग्राफी है राजेंद्र बाबू के एट द फीट ऑफ द महात्मा, उसमें गांधी जी के मतलब वन ऑफ द क्लोज एट 2 व्यक्ति रहे हैं पूरे बिहार में, एक है राजेंद्र प्रसाद और दूसरा है अनुग्रह नारायण सिंह। श्री कृष्ण बाबू इज नॉट इन द क्लोज कोटरी ऑफ द गांधी जी, क्योंकि गांधी जी के खिलाफ ये स्वराज पार्टी का निर्माण कर देते हैं, तो इसलिए गांधी जी के क्लोज कॉन्फिडेंट बिहार में 2 ही हैं, राजेंद्र बाबू अनुग्रह नारायण सिंह। इसीलिए आप देखते हैं कि जब गांधी जी की जब ताकत चलती है, जब 1947 में भारत आजाद होता है, तो गांधी जी पहला व्यक्ति राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत करते हैं, और अनुग्रह बाबू को चाहते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री बना दे क्योंकि उनके क्लोज कोटरी के थे, और अनुग्रह बाबू और श्री बाबू में कन्फ्लिक्ट होता है और अनुग्रह बाबू ही नाम प्रस्तावित कर देते हैं श्री कृष्ण सिंह का कि कांग्रेस बिहार कांग्रेस नहीं टूटे, नहीं तो श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो फिर आप बोलेंगे कि आप जो बात बता रहे हैं इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है उस किताब का नाम है मेरे संस्मरण। मेरे संस्मरण अनुग्रह बाबू की जीवनी है, उस किताब में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। और दूसरा जो सोर्स है वो है एट द फीट ऑफ महात्मा, एट द फीट ऑफ महात्मा में राजेंद्र बाबू इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि गांधी जी चाहते थे, गांधी जी अपने किताब अपने माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ में अनुग्रह बाबू के बारे में लिखते हैं कि ही वॉज अ बेस्ट ऑर्गेनाइजर दिस कंट्री एवर हैड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो वो चाहते थे कि इनको बने, पर अनुग्रह बाबू ही प्रस्तावित करते हैं और श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री बिहार के बनते हैं। अब देखो 1957 में एक राष्ट्रपति के रूप में भाषण देते हैं, जब भाषण देते हैं तो सामने उनकी नज़र बतख मियाँ पर पड़ती है। जब बतख मियाँ पर पड़ती है तो 2 मिनट के अंदर भाषण रोकते हैं राजेंद्र बाबू और बोलते हैं कि बतख मियाँ कैसे हो। और पहली बार ये जो बतख मियाँ का स्टोरी है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बतख मियाँ की स्टोरी पहली बार पब्लिक डिस्कशन में कौन लाता है, उस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद से पहले यह पब्लिक डिस्कशन में यह स्टोरी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और यहीं पर राष्ट्रपति अपना पावर का इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता है कि इनका सारा प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया रहता है इरविन, तो 24 एकड़ बहुत जलालत की जिंदगी जी रहे होते हैं, 24 एकड़ सरकारी जमीन इनको खेती के लिए देते हैं और इनाम के रूप में देते हैं कि बतख मियाँ तुमने गांधी की जान बचाई थी, अब इस 24 एकड़ भूमि पर तुम खेती करो और अपना जीवन यापन करो। मेरे दोस्त मेरे बंधु, पहली बार अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन इस चीज को इस स्टोरी को पब्लिक लाइमलाइट में लाता है और मतलब पब्लिक के समक्ष लाता है, जनता के समक्ष लाता है, उस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन, जो लखनऊ सेशन को फंड कौन करता है, हाजी मोहम्मद अंसारी। तीसरा क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है कि 1907-09 में जो इंडिगो रिवोल्ट होता है उसका लीडर कौन था, तो उसका लीडर आपके पास है सैकब गुलाब और शेख रजब अली थे, इसके नेतृत्व कर रहे थे। अब हमको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेगा, बतख मियाँ वाला पूरा स्टोरी आपको बता दिए हैं। दूसरा आप देखेंगे तो रमेश चंद्र झा के बारे में ऑप्शन में जिक्र है, हम क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें रमेश चंद्र झा के बारे में एक ऑप्शन में जिक्र है। तो देखो रमेश चंद्र झा का जो जन्म हुआ है वह 8 मई 1928 को फुलवरिया में हुआ है। फुलवरिया कौन सा जिला है, मोतिहारी है। बहुत बड़ा लेखक, वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट, किस लेवल के पोएट हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी के लेवल के पोएट हैं।
किस लेवल के पोएट हैं, लेखक हैं, फणीश्वर नाथ रेणु के लेवल के हैं। किस लेवल के पोएट हैं, रामधारी सिंह दिनकर के लेवल के पोएट हैं। किस लेवल के पोएट हैं, हरिवंश क्या नाम है यार, बच्चन, उनके लेवल के पोएट हैं। तो इस लेवल के पोएट हैं, दिनकर के लेवल के पोएट हैं, अमिताभ बच्चन के जो बाबूजी हैं उनके लेवल के पोएट हैं, और रमेश चंद्र झा वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ दिस कंट्री हैं। एक इनका इंसिडेंट अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि किस आंदोलन से एसोसिएटेड हैं, तो याद रखना उस आंदोलन का नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फणीश्वर नाथ रेणु किस आंदोलन से एसोसिएटेड हैं, उसका भी उत्तर है क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर आपको नहीं पता है और क्विट इंडिया मूवमेंट ऑप्शन में रहे, तो जेपी रहे, फणीश्वर नाथ रेणु रहे, राम वृक्ष वेनीपुरी रहे, जो भी है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट टिक करना, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करने वाला बिहार था और बिहार के योद्धा लोग थे। तो याद रखना क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करते हैं, और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इनके ऊपर शूट एट साइट का ऑर्डर होता है। शूट एट साइट, इनको जहां देखो तो इनको गोली मारने का आदेश था। क्यों? रक्सौल में क्या होता था कि जो ट्रेन में लोग काम करता था ब्रिटिशर्स, वो पटरी पर ही सो जाता था और कपड़ा वपड़ा सुखाता था। अभी भी आप देखते होंगे कि जो भी स्लम है वो पटरी के आसपास ही होता है, तो पटरी पर ही सो जाता था सब गर्मी के कारण। ये क्या करते हैं कि एक ट्रेन मालगाड़ी खड़ी रहती है और ब्रिटिशर्स यहाँ पर सो रहा होता है, इस ट्रेन को ढकेल के ब्रिटिशर्स पर चढ़ा देते हैं। आपको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में सबसे ज़्यादा बाधित क्या हुआ था, रेल, और दूसरा संचार, ये दो एरिया सबसे ज़्यादा बाधित थे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय रमेश चंद्र झा इन पर ट्रेन चढ़ा देते हैं रक्सौल में, और इसके चलते इन पर शूट एट साइट का ऑर्डर होता है। ऑप्शन में चुकी ये था, इसलिए रमेश चंद्र झा के बारे में बता दिए, बहुत बड़े लेखक थे। इसी तरह अगर आपको पसंद आया होगा, इस तरह का आप और उत्तर चाह रहे होंगे, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो जो ऑप्शंस में मेंशन है टीचर वाले एग्जाम में, उसको हम इस तरह से टॉपिक बना देंगे। अगर नहीं पसंद आया होगा तो वो भी बता दीजिएगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।